हमारी रणनीति का प्रश्न ही नहीं, हमारी रणनीति को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी हमारे साथ इनकी मदद से भिवंडी शहर के वरिष्ठ समाज सेवक हामिद शेख के समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी तथा रई शेख के हाथों संपन्न हुआ। बता दें कि भिवंडी के मिल्लत नगर फरीद बाग परिसर में हामिद शेख ने आम जनता के विविध कार्यों और मूलभूत समस्याओं के निवारण हेतु यह जनसंपर्क कार्यालय खोला है। हालांकि पिछले कई वर्षों से हामिद शेख बुर्राक वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आज हामिद शेख को समाजवादी पार्टी के शहर जिला सचिव पद पर नियुक्त किया गया, जिससे परिसर की जनता में खुशी की लहर है। लगता है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हामिद शेख समाजवादी पार्टी से चुनाव को अंजाम दे। इस जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर विधायक अबू आसिम आजमी, रई शेख, फर्रुख आजमी, रियाज शेख उपस्थित थे। तो वहीं पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु इरशाद कुरेशी, कामरान सैयद, इब्राहिम शेख, आमिर शेख, महबूब मोमिन, आसिफ शेख ने अथक प्रयास किए। देखिए, हमारी रणनीति कॉर्पोरेशन के लिए नहीं, हमारी रणनीति भिवंडी को सुधारने के लिए है। अभी कॉर्पोरेशन इतना आएगा देखा जाएगा, लेकिन जो लोग अच्छे लोग कहीं गलत जगह पर फंसे हुए हैं और मजबूत हैं, मैं ऐसे लोगों से मिल के बात करके, क्योंकि अब यहाँ पे उनके पास एक पर्यायी ताकत है यहाँ पे समाजवादी पार्टी, तो मैं ऐसे लोगों से बातचीत करके उन सबको अपने साथ ला रहा हूँ ताकि भिवंडी का करप्शन खत्म हो जाए और भिवंडी में डेवलपमेंट हो। अब आगे जो भी इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन को समाजवादी पार्टी लड़ेगी और हमारा एक ही लक्ष्य है कि भिवंडी की दोनों सीटों पर MLA और यहाँ मेयर हमारा होगा। और मैं इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि भिवंडी के लोगों ने समाजवादी पार्टी काम देखा है, हमारे वर्करों की मेहनत देखा है, हम अपने समाजवादी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी हमारे साथी हैं इनकी मदद से हम लोग भिवंडी को एक डेवलप्ड एरिया बनाएंगे और यहाँ अपना जो हमारा लक्ष्य है 2 MLA और मेयर का वो पूरा करेंगे, हमें उम्मीद पूरी है। अरे पार्टी इसके साथ इनके साथ दो तगड़े MLA है, 288 में 2 MLA जो मजबूत बात करते हैं, हमारे साथ हमीद आ गए, अब क्या प्रॉब्लम उनको कोई कर सकता है? कद्दावर हम लोग यहाँ पर हैं, कद्दावर हमीद यहाँ पर है, कोई कद्दावर दौर नहीं यहाँ पर। वो दिन भूल गए जब खरीद का फाक्त बुलाते थे, भूल जाओ उन चीजों को। अभी कद्दावर हम रहेंगे, हमारे याद में मेयर रहेगा और डिप्टी मेयर भी समाजवादी पार्टी का ही रहेगा इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी में मैं प्रवेश इसके लिए किया हूँ कि जो हिसाब से अबू आसिम भाई गवंडी में और भिवंडी और रईस भाई भिवंडी में जो काम कर रहे, जो आज तक कहीं भिवंडी में हुआ नहीं था, कोई MLA ने किया नहीं था, और हम भिवंडी में विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। शहर में जो हालात है वो हालात को देखते हुए आज तक जो अभी के जो MLA रईस भाई जो काम करते हैं ऐसा कोई काम नहीं किया था। और हम जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड रईस भाई हैं, आसिम भाई हैं, तो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि शहर का विकास हो। और उनसे उम्मीद है कि उनके साथ में रहने के बाद में अपन जितने भी हो कोशिश शहर में विकास करने की और करप्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर मकसद एक ही है कि आज तक जो पार्टियों ने भिवंडी में जो भी पार्टी थी, जो भी लोग थे, जो भी कॉरपोरेटर थे, महापौर थे, उन्होंने क्या शहर के हाल किए वो पूरे शहर को पता है, पूरे जनता को पता है कि शहर के हाल क्या है, शहर के हालात क्या है, और आगे चल के ये हालात कहीं रोकना है तो कोई अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में और अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, अच्छे MLA का साथ देना चाहिए, अच्छी पार्टी में जुड़ना चाहिए, ताकि हम लोग अपने तरीके के एजुकेटेड और अच्छे लोग अगर अपन चाहेंगे तो भिवंडी में इंशाल्लाह बदलाव जरूर होएगा अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की वजह से। अकेला ही चला था जानवे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और